हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी मार्केट पे। आज एक हम स्मॉल साइज़ आईटी कंपनी के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि आरपीजी गोनका ग्रुप कंपनी है। इस कंपनी का नाम है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन की 15 सब्सिडीज कंपनीज हैं जो आप स्क्रीन पर आपके सामने देख रहे हैं, और इसकी एक एसोसिएट कंपनी है। बेसिकली जितना भी रेवेन्यू आता है वो आउटसाइड इंडिया से आता है। और अब कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है एक बार वो देखते हैं। कंपनी का जो बिज़नेस है वो इन सेक्टर से आता है, जिसमें कि हेल्थ केयर है, कम्युनिकेशन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी है, बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज है। और अब कंपनी का एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। ये आपके सामने जून 2020 का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जिसमें कि प्रमोटर होल्डिंग 54% के आसपास है। और इसके साथ में आपको दूसरी साइड में जून 2017 का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। इन लास्ट 3 ईयर्स के अंदर म्यूचुअल फंड ने, एफआईआई ने और अदर्स ने जो इसके अंदर शेयर होल्डिंग है वो इंक्रीज़ की है। और अभी लेटेस्ट जो जून में है, म्यूचुअल फंड के पास 7.7% है, जिसमें कि HDFC स्मॉल कैप फंड के पास है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास में है और ICICI बैंक के पास 4.79% है। और अब एक बार कंपनी के वैल्यूएशंस देख लेते हैं। ये कंपनी का जो पी है वो 25 है और इंडस्ट्री का पी भी अप्रॉक्सीमेट 25 के आसपास ही है। बुक वैल्यू 29.74 है, प्राइस टू बुक 2.38 है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी इसकी वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा नहीं हुई है कि ये ओवर वैल्यूड हो। और रेशोज एक बार देख लेते हैं। लास्ट 3 ईयर्स की रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल 14% है और ये 13% है। 2018 से पहले कंपनी ने कभी भी कोई डिविडेंड नहीं दिया था, लेकिन 2018 से कंपनी ने 1.5 टू 2.5 अभी रिसेंटली जो दिया है फरवरी में 2.5 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड दिया है। तो ये कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। लास्ट 5 ईयर्स का जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 5% CAGR से इंक्रीज़ हुआ है। और वहीं अगर ऑपरेटिंग एबिटा देखेंगे तो वो 10% CAGR से इंक्रीज़ हुआ है, जो कि लास्ट 5 ईयर में कंपनी ने काफ़ी अच्छा किया है। और अब एक बार देखते हैं कि किस कंट्री से कितना रेवेन्यू कंपनी को आता है। तो 2016 में US से 54% था, जो कि अब बढ़कर 61% हो गया 2020 में। UK से अप्रॉक्सीमेट 37% आता है और इंडिया से अप्रॉक्सीमेट 1.4% है। तो टोटली कंपनी जो डिपेंडेंट्स है वो अदर कंट्रीज़ में है। और राइट साइड में किस इंडस्ट्री से कंपनी को कितना रेवेन्यू आता है वो है। 2020 में BFSI यानी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस से 41% है, टेलीकॉम से 23% और हेल्थ केयर से 32% है। और अब स्टॉक का एक बार टेक्निकल चेक ले लेते हैं। ये आपके सामने लास्ट 5 ईयर का स्टॉक का चार्ट है। ये भी रिसेंटली 45 रुपीज़ के आसपास था और वहाँ से अभी करंट जो प्राइस है वो 70 रुपीज़ के आसपास है। इससे पहले जून 2019 के आसपास इसने हाई लगाया था 83 रुपीज़ का। कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं काफ़ी अच्छे हैं और नियर टर्म में जब भी स्टॉक एक बार 83 के लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो स्टॉक के अंदर और भी काफ़ी एप्रिसिएशन होने का लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू सो मच।